मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर एक लम्हा जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता इस जिंदगी में, डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता इस जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आज के इस टॉपिक में हम बहुत ही इजली, बहुत ही सिंपल वे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, बहुत ही मज़ा आने वाली है आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यानी इसके स्ट्रक्चर पूरी संरचना में कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं और किन अंगों का क्या कार्य होता है, वही आज हम यहाँ से समझने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जन्म कहते किसे, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जन्म होता क्या है, ये क्या है जनन। हमें पता है दोस्तों, हम अपने चारों तरफ देखते हैं क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, विभिन्न जीव जंतु हैं, तो ये सब आते कहाँ से हैं, कहाँ से आते हैं, तो क्या है प्रत्येक जीवों में अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करने की एक क्षमता होती है, उसी को कहा जाता है जनन। और जनन आवश्यक क्यों है, इस नेचर को, इस एनवायरनमेंट में क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी वंशता को बनाए रखने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक होता है ना, क्या है जनन बहुत ही आवश्यक होता है, किसके लिए, वंशता को बनाए रखने के लिए। ठीक, तो जनन समझ में आ गया। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से प्रमुख भाग हैं और किनका क्या कार्य होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से समझ लेते हैं, यहाँ से हम लिखते भी चलेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से आप लिख भी पाएं इसे। वृषण, टेस्टिस, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे प्रमुख भाग कौन होता है, टेस्टिस होता है, वृषण होता है। वृषण होता क्या है, वृषण किसे कहते हैं, तो जो मनुष्यों में, मनुष्य हो या कोई भी नर प्रजातियां हो, उनमें दोस्तों क्या होता है कि एक जोड़ी वृषण एक थैली नुमा संरचना में बंद रहते हैं, वो वही क्या कहलाते हैं, वृषण कहलाते हैं। थैली नुमा संरचना में बंद रहते हैं जिसे वृषण कोश कहा जाता है, और उसी में ये वृषण रहते हैं। अब देखिए वृषण, एक यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कभी कभार पूछ लेता है आपके एग्जाम में कि वृषण शरीर के बाहर ही क्यों होते हैं, शरीर के अंदर क्यों नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी एक लॉजिक है दोस्तों कि जो वृषण में होता है, देखिए वृषण के कार्य क्या हैं, तो वृषण में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण होता है और यहाँ से हार्मोन्स का भी स्राव होता है। लेकिन शुक्राणु बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और शुक्राणु के बनने के लिए कम तापमान की ज़रूरत होती है, यानी उसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसीलिए क्या है ये शरीर के बाहर होता है, जैसे बाहर की वायु को अवशोषित कर कर के ये क्या करता है, उससे अपने ताप को ये बनाए रखता है। ठीक है ना, ये जो अपने ताप को बाहर की वायु से अपने ताप को बनाए रखता है, ये इसीलिए क्या है शरीर के बाहर होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप क्या होता है, जो हाथियों में होता है वो वृषण शरीर के अंदर ही होता है। ठीक, समझ में आ गया कि वृषण शरीर के बाहर ही क्यों होते हैं, तो शुक्राणु के बनने के लिए क्या है बॉडी से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसीलिए शुक्राणु उसमें नहीं बन पाते अगर ये बॉडी के अंदर होता। होता है कब, जब हम गर्भावस्था में होते हैं, तो ये उस समय क्या होता है वृषण हमारे स्टूमक में नहीं अंदर पेट में ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कभी चोट लग जाए, आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं या अचानक से क्या है चोट लग जाए, कोई लात मार दिया है ना लड़ाई झगड़े में, तो देखते हैं हम तुरंत ही क्या है पेट पकड़ के ऐसे ही तुरंत लौटने लगते हैं, बैठ जाते हैं और क्या है पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों, पेट ही क्यों दर्द करता है, रीज़न है ना कि जब तक आप क्या है जब भ्रूणावस्था में गर्भावस्था में ये वृषण क्या है शरीर के अंदर होते हैं, और जब हमें लगता है तो ये जहाँ से ये आए हैं वहीं पर पैन अंदर खिंचाव हो जाता है,
ठीक है ना। यही कारण है कि गर्मियों के समय में ये ढीले पड़ जाते हैं, यानी शरीर के निचले हिस्से में, यानी ये मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं, तो ये शरीर की में क्या है, ढीले हो जाते हैं, नीचे लटकते रहते हैं। और ठंड में ये सिकुड़ करके ये अंदर की तरफ खींचते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या है, ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, और शरीर की गर्मी को लेने के लिए शरीर के अंदर की ओर भागते हैं, और गर्मी में ये क्या है, बाहर की तरफ, बाहर की जो ठंडक लेने के लिए, ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, इससे बाहर ही रहे, और इसलिए ये गर्मी के समय में इनकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। तो समझ में आ गया वृषण क्या है। अगर हम लिखना चाहेंगे दोस्तों, तो क्या होता है कि यह नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। देखिए हम बोल रहे हैं उतना आप लिख सकते हैं, जो मेन लाइन है हम लिख देते हैं, प्रमुख भाग होता है, ठीक ना। और इसमें से एक टेस्टिस से ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलता है। टेस्टोस्टेरोन यहाँ से एक हार्मोन्स का स्राव होता है दोस्तों, यहाँ से ध्यान देना, इसमें से एक हार्मोन्स होता है, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। और ये क्या करता है, द्वितीयक जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कैसे, क्या दाढ़ी मूछ का आना और कंधे चौड़े होना, क्या है आवाज़ में भारीपन आना, और उसके बाद क्या है कि जैसे शरीर पर बालों का उगना, सारी के सारे इन सब चीज़ का निर्धारण, इन सब का निर्धारण कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स करते हैं। स्राव कहाँ से होता है, वृषण से होता है, इसीलिए वृषण क्या है, मानव जनन, ये नर जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग माना जाता है। इसको ही काट कर निकाल देंगे तो आदमी गे हो जाएगा, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, ठीक। दाढ़ी मूछाने से कोई मर्द नहीं हो जाता है, इसके लिए टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होना आवश्यक है। और यहाँ से ये चीज़ वृषण, इसको काट देंगे, पिक्चर ख़त्म, ठीक है ना। वो पुरुष तो रहेंगे लेकिन उनका पुरुषत्व ही खत्म हो जाएगा, बच्चे कभी लाइफ में वो क्या है, बच्चे पैदा करने के योग्य नहीं रह जाएंगे। तो ये क्या होता है, नर जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ध्यान देना, इसमें फिर आगे लिखना है, इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। इनकी संख्या दो होती है ना, एक जोड़ी हम लिख सकते हैं, एक कट जाएगा, अगर एक निकाल दिया जाए तो एक से भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इनकी संख्या दो होती है ना। ये तो रहा वृषण। अब देखिए वृषण के बाद आ जाते हैं कि ये क्या है, अधिवृषण, एपिडिडिमिस। ये क्या होता है, अधिवृषण क्या है, इसको जान लेते हैं। अधिवृषण ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अधिवृषण में होता क्या है, यहां पर शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यहां पर ये क्या है, अधिवृषण जो है ये वृषण के ऊपर चारों ओर से इसको घेरे रहती है, ठीक है ना। वृषण के ऊपर की संरचना होती है, इसके चारों ओर फैले रहती है, बहुत ये ग्रंथिल अवस्थाओं में छोटी छोटी, मतलब महीन नलिकाओं के रूप में चारों तरफ से इसको ढके रहती है, वो होता है अधिवृषण, यानी एपिडिडिमिस, ठीक है ना, एपिडिडिमिस होता है। और इसका कार्य क्या होता है, यहाँ पर जो स्पर्म बनते हैं वृषण में वो क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है ना। तो लिखना है कि यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है, संरचना होती है इसमें शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, शुक्राणु परिपक्व होते हैं, यानी इसी में शुक्राणु क्या होते हैं, तैयार होते हैं, ये होता है अधिवृषण, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं, एक आपको एक
क्या है, ये वेस्टिकल है, एक मतलब नली दिख रही है ना, उसे क्या कहते हैं, जो एक नली यहाँ से गई हुई है दोस्तों, इसे समझ लेते हैं, इसको कहते हैं वेस डिफरेंसेस। क्या कहते हैं? वेस डिफरेंस कहते हैं, है ना, शुक्र वाहिनी। तो इसके बाद देख लेते हैं, एक एक तरफ से चलेंगे तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक हमें लगेगा, है शुक्र वाहिनी। क्या है? शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। तो ये क्या होती है, देखिए शुक्र वाहिनी लिखना है कि यह वृषण। शुक्र वाहिनी क्या होती है? ये वृषण और अधिवृषण में जो क्या है, ये हार्मोन्स और जो क्या है शुक्राणु बन रहा है, ठीक है ना, उसे कहाँ ले जाती हैं? शुक्राशय तक ले जाती हैं। लिखना पड़ेगा यह वृषण तथा अधिवृषण, अधिवृषण, वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है, शुक्राशय तक ले जाती है। अब देखिए ये शुक्राशय तक ले जाएंगी, ठीक है, यहाँ से इनका काम है वेस डिफरेंस का काम है, ये यहाँ पर जो भी क्या है स्पर्म शुक्राणु बनता है उसको ले जाते हैं शुक्र वाहिनी तक। उसके बाद बात करें शुक्राशय तक ले जाते हैं, ठीक ना, शुक्राशय तक ले जाते हैं। अब यहाँ से समझ लेते हैं कि शुक्राशय क्या है, ठीक, क्या है शुक्राशय, समझ लेते हैं कि शुक्राशय क्या होता है, इसका क्या काम है। देखिए शुक्राशय यह एक थैली नुमा संरचना होती है, ये आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा कि शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना। शुक्राशय का काम क्या होता है दोस्तों, ये एक ग्रंथि होती है जिसमें शुक्र द्रव का, ठीक है ना, यहाँ से शुक्र द्रव का एक तरल पदार्थ का निर्माण होता है। इसी में क्या है कि शुक्राणु लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और लंबे समय तक ये इनका पोषण करता रहता है, कौन, शुक्राशय, ठीक। इसमें लिखेंगे कि यह एक ग्रंथि होती है, एकदम आसान शब्दों में लिखेंगे, यह एक ग्रंथि होती है, जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा इनका पोषण होता है, यहां पर ये लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं और यहीं पर इनका पोषण होता रहता है, ठीक ना। अब उसके बाद समझ लेते हैं, ध्यान देना, ये इसमें क्या होता है, वही जो, अब ये देखिए इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा इनका पोषण होता है और इसमें क्या है शुक्राशय द्रव होता है, ठीक है ना, और इसी में ये तैरते रहते हैं, शुक्राशय द्रव होता है, ऐसे ही नहीं पड़े रहते हैं, शुक्राशय द्रव का निर्माण होता है तभी लंबे समय तक यहाँ पर ये सुरक्षित रहते हैं और उसके बाद ही इनका पोषण होता रहता है, ठीक ना। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, इधर एक मिनट, ये शुक्राशय हो गया। अब देखिए शुक्राशय के बाद मूत्र वाहिनी कि जो आपको एग्जाम में लिखना है, पहले उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। यहां से मूत्र वाहिनी क्या होती है, देखिए ये मूत्र वाहिनी एक उभयनिष्ठ नलिका के रूप में होती है, कहने का मतलब ये जो मूत्र वाहिनी है इसी मार्ग से मूत्र भी बाहर निकलता है और उसी मार्ग से क्या है स्पर्म भी बाहर आते हैं। तो लिखना है कि यह, इसमें लिखेंगे कि यह मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर निकालने का एक
कि एक नली होती है, एक नली होती है ना, यानी इसी में क्या होते हैं, इसी में से क्या है, शुक्राणु भी बाहर आते हैं और इसी में से मूत्र का भी उत्सर्जन होता है, ठीक ना। वो क्या है, यूरेथ्रा। मूत्र वाहिनी के बाद आपको दिख रहा होगा शिश्न, ठीक। अब यहां से देखिए, मूत्र वाहिनी के बाद है शिश्न, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि दिख रहा है कि नहीं नीचे, लेकिन समझ लीजिएगा। देखिए शिश्न क्या होता है दोस्तों, शिश्न ये क्या होता है कि एक बाह्य जनन अंग के रूप में इसे माना जाता है। अभी तक तो सब इंटरनल है, लेकिन एक बाह्य जनन अंग होता है कौन, शिश्न। और ये क्या होता है कि एक सहायक अंग के रूप में काम होता है, जो काम करता है, जो क्या करता है, स्पर्म यानी शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र, यानी क्या है, मादा जनन तंत्र, या फिर हम कह लें कि फीमेल पार्ट में ये क्या करता है, स्पर्म को पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक ना। यह बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है, रूप में होता है, जो एक नली के रूप में, जो एक नली के रूप में शुक्राणु को कहां पहुंचाता है, यहां मादा या कह लें शुक्राणु को क्या है, गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब एक नली के रूप में होती है दोस्तों, ठीक। ये क्या करता है, एक नली के रूप में होता है और ये क्या है, शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब इसके अलावा दोस्तों और कुछ चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। ये तो रहा प्रमुख में हम बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, प्रमुख जनन तंत्र होते हैं या अंग होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें दो सहायक जनन ग्रंथियां भी होती हैं, वो आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक रेड, वो होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स। क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यानी देखिए, अब देखिए ये होता क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का इसका बहुत योगदान होता है, ठीक ना। सहायक कभी कभार आ गया, सहायक जनन ग्रंथियां किसे कहते हैं, तो ऐसी जनन ग्रंथियां जो जनन में सहायक होती हैं। ये प्रमुख जनन अंग के रूप में तो नहीं होते हैं, लेकिन जनन में सहायक होते हैं, ठीक ना, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इसमें देखिए, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, इसमें क्या होता है, एक तरल चिपचिपे रंग के पदार्थ का स्राव होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि इसमें एक तरल चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, इसमें एक तरल चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, जो क्या है, क्षारीय होता है, ठीक ना, क्षारीय होता है, और यही मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। और जब क्या होता है दोस्तों, इसमें से शुक्राणु निकलते हैं तो ये क्या करता है, इस मूत्र वाहिनी को चिकना क्षारीय बना देता है, और जितने भी स्पर्म होते हैं उनको एक्टिव बना देता है, यानी क्या करता है, शुक्राणुओं को सक्रिय कर देता है। बात आई समझ में, इसमें एक तरल चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, ये क्या करता है, एक तरल चिपचिपे रंग के मतलब चिपचिपे पदार्थ का स्राव करता है, जो मूत्र मार्ग को चिकना बना देता है, और ये क्या होता है, एक क्षारीय तरल होता है, और यही क्या है कि इसके रास्ते को, ये पहले से जो रास्ता होता है मूत्र वाहिनी, वो अम्लीय होता है, और ये उसको क्षारीय बना देता है, और शुक्राणुओं को मरने से बचाता है, यानी उनको नष्ट नहीं होने देता है, सक्रिय कर देता है। दूसरा क्या होता है,
ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया। दूसरा सहायक जनन ग्रंथि यहाँ पर एक स्थित होती है मलाशय ग्रंथि के पास में, यहाँ पर ठीक ना जो स्थित होती है उसका काम क्या होता है, उसमें से एक विशेष दुर्गंध मतलब इस एक विशेष गंध वाले पदार्थ का स्राव होता है वहाँ से भी, उसमें से क्या एक ऐसे पदार्थ का स्राव होता है जो गंध उत्पन्न करता है और मेल और फीमेल को क्या है एक दूसरे के करीब लाता है। कहने का मतलब उसमें से जो गंध निकलती है वो नर और मादा को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, यानी उनको आकर्षण का केंद्र होता है। ये रहे दो सहायक जनन ग्रंथियाँ, ठीक। बाकी सारा चीज देखिए मूत्राशय इसका जनन अंग में कोई काम नहीं होता है, बाकी जितने इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही मेहनत किया इस दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।